सनग्लासेस पहन रहा हो ना तो मेरे को पता चल रहा है कि पावर इसमें ज्यादा है, लेकिन ऐसा देखेगा ना। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो होने वाला है लाइट्स के ऊपर। तो मैं अपने जो पल्सर RS 200 है उसमें लाइट्स चेंज करने वाला हूँ। मेरे जो फ्रंट प्रोजेक्टर लाइट्स है उसमें मैं हेलोजन से चेंज करके LED लगाने वाला हूँ। हाँ गाइस, ये जो प्रोजेक्टर लैंप्स होता है इसके अंदर हेलोजन बल्ब होते हैं। जो नॉर्मल जो प्रोजेक्टर मिलते हैं बाहर, आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर्स बोलते हैं उसको, जिसमें अलग अलग लाइट्स होते हैं, उसके अंदर बल्ब्स नहीं होते, वो डायरेक्ट फिट आता है। सब जो गाड़ी रहता है पल्सर RS 200, KTM RC, उसके अंदर जो होता है प्रोजेक्टर के अंदर बल्ब होते हैं LED, तो वो अपन चेंज कर सकते हैं। बस इसका जो फिट होता है वो अलग होता है। तो जैसे मैंने KTM Duke 200 और एक्टिवा में लगाया था नाइट आई के बल्ब्स, उसका वीडियो मैंने पहले डाला था, उसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सा बल्ब आपको लेना चाहिए, LED लेना चाहिए, HID लेना चाहिए, उसमें सब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से फिट के बल्ब आपको लेने चाहिए। फिट अलग अलग आते हैं, H4 आते हैं, H7 आते हैं, H9 आते हैं, H11 आते हैं। तो मेरे जो पल्सर RS 200 में उसमें H9 और H11 के लगते हैं। तो मेरे में कैसा, हाई बीम के लिए H9 यूज होता है और लो बीम के लिए जो है वो H11 यूज होता है। तो दो सेटअप है मेरे में। H4 बल्ब्स किस में लगते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। KTM Duke 200 हो गया, होंडा की कोई भी गाड़ी ले लो उसमें सब H4 बल्ब्स लगते हैं। तो जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें H9 और H11 लगते हैं, और जो नॉर्मल गाड़ी होता है उसमें H4 लगता है। H4 क्यों लगता है, क्योंकि H4 के अंदर ही अपर का भी काम करता है, वो लोअर का भी काम करता है। तो H9 और H11 में क्या होता है, एक बल्ब जो है वो अपर का काम करता है, एक बल्ब जो है वो लोअर का काम करता है। तो अलग अलग है फिट। और 220 में जो है वो H7 लगता है। तो सबका अलग अलग है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता होगा कि आपका कौन सा फिट लगता है, तो इंटरनेट पे आप जाके सर्च कर सकते हो, जैसे कि पल्सर RS 200 फिट ऑफ हेडलाइट बल्ब, या फिर आप आपका जो सर्विस मैनुअल होता है या कोई भी मैनुअल होता है गाड़ी का, उसमें जाके भी चेक कर सकते हो कौन से बल्ब आप में लग रहे हैं। तो ऐसा है कि H9 और H11 कैसा होता है कि दोनों का जो H9 और H11 का प्लग होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप H9 के बल्ब ऑर्डर करते हो तो भी चलेगा, H11 के बल्ब ऑर्डर करेंगे तो भी चलेगा, दोनों में फिट हो जाते हैं। तो H9 और H11 अलग से नाम दिया इन लोग ने। तो अभी मेरे पास एक CN Sunny लाइटिंग करके कंपनी है, उसका हेडलाइट्स है, वो अभी मैं आपको अनबॉक्स करके बताता हूँ। गाइस ये CN Sunny करके कंपनी, उसका लाइट्स है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सब दिया हुआ है इसका, जो भी कोटेशन है, वाटरप्रूफ फैन है इसमें, और जो भी पावर और रेटिंग दिया हुआ है। साइड में देख सकते हो अब ये किस किस को फिट होता है, कार को, ट्रक को, स्कूटर को, बाइक को और बोट को भी H9 और H11 का फिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था H9 और H11 ऑलमोस्ट द सेम है। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, और इसका जो पावर है वो 36 वैट का है। तो ये मैं लोअर बीम में लगाने वाला हूँ 36 वैट का, और इसका वाटरप्रूफ लेवल है IP67, जो अपने नॉर्मल फोन्स में होते हैं ऐसा कुछ दिखता है। ये जो है वो 36 वैट का है, और एक बल्ब है मेरे पास वो 50 वैट का है। तो ये मैं लोअर बीम में लगाने वाला हूँ और 50 वाला हाई बीम में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सॉकेट है वो एकदम थोड़ा डिफरेंट है H4 से कंपैरेटिव में। मैं कैसा, एक बॉक्स में पैर आता है इसलिए मैंने दो बॉक्सेस मंगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है V1 LED, और पीछे भी लिखा हुआ है V1 LED। ये दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें 50 वैट के जो LEDs वो है, आप देख सकते हो इसका पावर रेट 50 वैट है, और इसका वाटरप्रूफ लेवल IP67 है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 50 वैट का है तो थोड़ा हैवी भी है। इसमें एक P9 अडाप्टर भी दिया हुआ है ताकि क्या पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सके। अभी जो ये लाइट है उसका मैं अभी आपको फिटिंग बता देता हूँ। तो एक लाइट मैं लोअर बीम के लिए यूज करूंगा, और ये लाइट मैं हायर बीम के लिए यूज करूंगा। ये हाई पावर का, ये लो पावर का। सो गाइज मैंने RS का जो पूरा फेयरिंग है मेरा वो खोल के रख दिया हुआ है, क्योंकि जो फेयरिंग है वो पूरा टूट गया था। तो अभी मैं एक नया फेयरिंग इंस्टॉल करने वाला हूँ। और ये लाइट्स लगाना भी इजी है RS में, सिर्फ नीचे से हाथ डालोगे तो आप लाइट्स का जो सॉकेट है वो आपको दिख जाएगा। ये लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो ये H9 है और 65 वैट का है, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो H11 है और 55 वैट का। तो गाइस ये सॉकेट इजीली खुल जाता है, और इसको सिर्फ ऐसे एक ट्विस्ट करना है और बाहर निकालना है। तो इसके अंदर का जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया था और टूट के नीचे गिर गया था, तो यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया बल्ब को। ये बल्ब क्या हो गया था, एक बार सिर्फ जस्ट नीचे गिरा तो इसमें क्रैक आ गए और ये बल्ब पूरा फ्यूज हो गया, तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ लाइट्स को। ये प्रोजेक्टर के अंदर आप देख सकते हो, ये प्रोजेक्टर यहाँ से पूरा मैग्नीफाइन करता है पूरे जो भी लाइट्स है उसको। ये 50 वाट का तो मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर दूंगा इसमें, और ये डायरेक्ट फिट है, कुछ आपको ऑल्टरेशंस कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंसर्ट करना है और एक फ्लिप करना है, और ये डायरेक्ट टाइट हो जाएगा इस पे। इसका जो सॉकेट है उसमें डायरेक्ट ये फिट हो जाएगा। अभी वो साइड का जो है वो मैंने अच्छे से फिट कर दिया, ये साइड का मैं आपको फिट करके बताता हूँ। इसका भी आप सॉकेट निकाल दो, इजीली सॉकेट निकल जाता है, और सिर्फ इसको फ्लिप करना है और ये बाहर निकल जाएगा। इसका आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, H11 और 55 वाट। तो ये 55 वाट निकाल के मैं 36 वाट का लगा रहा हूँ,
सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 36 वाट लगा रहा हूँ तो कम पावर मिलेगा, 36 वाट में भी बहुत ज्यादा पावर है। सेट करना है और फ्लिप करना है तो डायरेक्ट बैठ जाएगा। तो गाइस मैं अभी आपको इसका फैन चालू करके दिखाता हूँ। ये फैन चालू हुआ, ये बंद हुआ, ये चालू हुआ, ये बंद हुआ। इसका भी फैन चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये चालू हुआ और ये बंद हुआ। जो लाइट्स है वो अभी मैं आगे से स्टार्ट करके बताता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका लाइट्स कितना ब्राइट है। तो जूना वाला जो लाइट्स था वो भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि एकदम कम था। ये लाइट्स और ज्यादा होने वाला है ब्राइट, ये तो अभी नहीं पता चलेगा, रात को ही पता चलेगा। तो गाइस अगर आपका फेयरिंग रहेगा तो भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप नीचे से हाथ डाल के आराम से लाइट निकाल सकते हो। अगर आपको ये लाइट्स बाय करने रहेगा तो लिंक पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके लाइट्स बाय। इसका जो है अभी एक नाइट टेस्ट कर लेते हैं, तो नाइट तक तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, इसमें तो जल्दी हो जाएगा। वो पहले आप टेस्ट देखो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:03 रात का, और अभी जस्ट टेस्ट करने आए थे कि वी एलईडी को टेस्ट करने आए थे कि कितना ब्राइट है, और आप देख सकते हो कि पूरा अंधेरा है, मेरा आजू बाजू पूरा अंधेरा है। तो गाड़ी ऑन कर देता हूँ पहले, तो आप देख सकते हो ये इसका हाई बीम है और ये इसका लो बीम है, मतलब अभी दोनों लाइट एक साथ चल रहा है, अगर आप देख सकते हो। इसका जो लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ब्राइट है क्योंकि दो LEDs लगाया हुआ है। हायर बीम भी अच्छा चलता है, लोअर बीम भी अच्छा चलता है, लोअर बीम थोड़ा कम लग रहा है सिटीज़ में। एक बात गाइस, इसका जो रिस्पांस है, मतलब जो बंद चालू करते हैं लाइट्स को, वो एकदम फास्ट है। पहले जो हैलोजन कैसा चालू मतलब चालू करेगा, जैसे ही फ्लैश आप पासिंग मारते हो तो लेट चालू होता है, थोड़ा ऐसा आपको फील होता है। इसमें कैसा डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट ऑन बन ऑन बन ऑन बन, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। कर जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही प्रेस करेंगे बटन वैसे ही ऑन हो जाता है। हैलोजन में कैसा थोड़ा टाइम लगता है, जो टंगस्टन का एलिमेंट होता है वो हीट होने के लिए टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड्स लगता है। इसमें कैसा डायरेक्ट चिप्स दिया हुआ है, एलईडी चिप्स दिया हुआ है, डायरेक्ट जैसे ही पावर मिलता है वैसे ही वो ऑन हो जाता है। तो इसमें एक और एक फर्क है कि फास्ट चालू हो रहा है, ये इतना ही फर्क है, और ब्राइटनेस में तो फर्क ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो रहा है वो। ओके, तो अभी इंजन स्टार्ट कर दिया है मैंने, और अभी अभी कोई भी लाइट्स चल रहा नहीं है, अभी मैंने लोअर बीम पर रखा हुआ है, तो अभी लोअर बीम जस्ट चालू करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसका लोअर बीम, तो आप देख सकते हो कि ये ब्राइट मतलब पूरा अंधेरा है, और अभी लोअर बीम, और अभी इसका अपर बीम भी चालू कर देता हूँ मैं, ये अपर बीम, मतलब इतना ब्राइट है ये लाइट्स। एंड गाइस ये जो रेज है, जो प्रोजेक्टर के रेज होते हैं वो एकदम सीधे जाते हैं, तो सीधे जाने की वजह से आप इधर डस्ट पार्टिकल देख सकते हो, मतलब इधर लाइट का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ज़्यादा है, तो इधर आप डस्ट पार्टिकल देख सकते हो, जो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, ज़्यादा दिखने लग गए डस्ट पार्टिकल्स। वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, ये सिर्फ मैं लाइट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, ये लाइट्स मैं पहले ही लगाने वाला था, बट अभी आरएस का ऐसा हाल हो गया, तो ये जो चीज़ मैंने किया हुआ है अभी मतलब पूरा निकेट हो गया आरएस, वो क्यों किया है कैसे किया है वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और तो गाइस जैसे कि आपने देखा मेरे नाइट का टेस्ट, तो LEDs के ऊपर मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, LEDs जो है वो ऑल टाइम बेस्ट रहता है। मैं कुछ भी लाइट्स अगर मेरे को अपग्रेड करना रहेगा तो मैं LEDs में लगा देता हूँ। वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच यू लव, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।